अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बाखर अली, आप देख रहे हैं सफ़ीर न्यूज़। झलक आज की अहम सुर्खियों पर। पुराना शहर में एक बार फिर ऑपरेशन चबूतरा मुहिम का इंतबाह। डॉक्टर जगजीवन राम को वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने खिराज अकीदत पेश किया। तेलंगाना में मुख्तलिफ कारपोरेशन और इदारों के मुलाजमीन के रिटायरमेंट की हद उम्र में भी इजाफा। फिल्म अदाकार गोविंदा भी कोरोना से मुतासिर। महाराष्ट्र में रात का कर्फ्यू, हफ्ते में 3 दिन लॉकडाउन। जगदियाल के एक गांव में लॉकडाउन, पंचायत का फैसला। ममता बनर्जी पर इलेक्शन कमीशन कर सकता है कार्रवाई, नंदीग्राम में लगाए इल्जाम को बताया गलत। छत्तीसगढ़ में माओवादियों के हमले के बाद अमित शाह का दौरा मुलतवी। अब खबरें तफसील से। हैदराबाद में पुलिस की जानिब से नंबर प्लेट के बगैर गाड़ी चलाने वाले और रातों को गैर जरूरी फिरने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कल रात हैदराबाद के साउथ जोन डिवीजन के ACP मोहम्मद माजिद की निगरानी में ये मुहिम चलाई गई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद माजिद ने कहा कि साउथ जोन के फलकनुमा डिवीजन में यह खसूसी मुहिम चलाई गई। इन्होंने कहा कि मुख्तलिफ मकामात पर अचानक गाड़ियों की तलाशी की मुहिम चलाई गई। इस मुहिम के दौरान बगैर दस्तावेजात और बगैर नंबर प्लेट्स के चलाई जाने वाली गाड़ियों को जब्त करते हुए ऐसी गाड़ियों को चलाने वाले अफराद के खिलाफ मामला दर्ज किए जा रहे हैं। इन्होंने साथ ही नौजवानों से ख्वाहिश की कि वो रातों के वक्त बाहर ना निकले। इन्होंने इंतबाह दिया कि ऐसे नौजवानों को ऑपरेशन चबूतरा के तहत हिरासत में लेते हुए इनके वालिदैन को तलब करके काउंसलिंग की जाएगी। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने साबिक नायब वजीर आजम और जात पात से पाक समाज के लिए जद्दोजहद करने वाले पसमानदा तबकात के रहनुमा डॉक्टर बाबू जगजीवन राम को इनकी 114वीं योम पैदाइश 5 अप्रैल के मौके पर याद किया और वजीर आला ने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ने वाले 19 समाजी मसावात के लिए जद्दोजहद करने वाले डॉक्टर जगजीवन राम को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। बॉलीवुड अदाकार गोविंदा भी कोरोना से मुतासिर हो गए। इनकी बीवी ने बताया कि 57 साल अदाकार में कोरोना के मामूली अलामत पाई गई। टेस्ट करवाने पर इनकी रिपोर्ट मुस्बित आई है। वो इस वक्त अपने मकान में ही क्वारंटाइन में हैं। महाराष्ट्र हुकूमत ने कोरोना वायरस के मामलों में गैर मामूली इजाफे के दरमियान इतवार के रोज़ रियासत भर में नाइट कर्फ्यू और हफ्ते के आखिर में जुमे की रात 8 बजे से पीर की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन समेत नई पाबंदियों का ऐलान किया है। कल से नाफिस होने वाले कवायद में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू भी शामिल है। दिन में 5 या इससे ज़्यादा के इस्तेमाल पर पाबंदी। मॉल्स, रेस्टोरेंट, बार और इबादतगाहें बंद रहेंगी। सिर्फ ज़रूरी खिदमात की इजाज़त होगी। सनअती कामों और तामीराती सरगर्मियों की इजाज़त होगी। सब्ज़ी मंडियों में हुजूम पर काबू पाने के कवायद मुतआरफ़ करवाए जाएंगे। भीड़ के बगैर फिल्मी शूट की इजाज़त होगी, लेकिन थिएटर बंद हो जाएंगे। तेलंगाना के ज़िले जगदियाल के मुलापुर मंडल के सरपुर में लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान किया गया है। जहां चंद दिन कबल कोरोना के 27 नए मामले सामने आए थे, मुकामी पंचायत ने इतवार से इस माह की 15 तारीख तक लॉकडाउन नाफिज करने की करारदाद मंजूर की है। किराने की दुकान को सुबह 6 बजे से 10 बजे और शाम में 6 बजे से 9 बजे तक ही खुली रखने की इजाज़त रहेगी। मुकामी अफराद ने कहा कि इस वबा के मुतासरीन की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है, जिसके पेश नज़र ये अहम फैसला लिया गया है। इस देहात में दुकानात खुली रखने के औकात में ख़रीदारी करने के लिए आने वालों को मास्क लगाने पर ही सामान फराहम करने का भी फैसला किया गया है। कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों पर 1,000 रुपये जुर्माना आयद करने का भी फैसला किया गया है। मगरबी बंगाल में 1 अप्रैल को हुए दूसरे मरहले की वोटिंग के दौरान नंदीग्राम में छटपट तशद्दुद देखने को मिली थी। इस सीट से इलेक्शन लड़ रहे वजीर आला ममता बनर्जी ने इल्ज़ाम लगाया था कि वहां सिक्योरिटी अहलकार वोटिंग के दौरान BJP की मदद कर रहे थे। इस मौजू को लेकर वो इलेक्शन कमीशन तक गई थी। अब इलेक्शन कमीशन ने सभी इल्ज़ाम की जांच पूरी कर ली है।
इलेक्शन कमीशन ने ममता बनर्जी की तरफ से लगाए गए सभी इल्जाम को गलत माना है। कहा जा रहा है कि अब इलेक्शन कमीशन इस मामले को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी कर सकता है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये मायूस कुन है कि ममता बनर्जी की तरफ से मीडिया में इन इल्जाम को लेकर सोच बनाई गई, वजीर आला की तरफ से राय दहिंदगान को खौफजदा करने की कोशिश की गई, ये जानबूझ कर किया गया काम है। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे साबित हो कि वहां तैनात सिक्योरिटी अहलकारों ने राय दहिंदगान को वोटिंग करने से रोका या इनका बर्ताव नामुनासिब था। आसाम असेंबली इंतखाबात में आखिरी मरहले की रायदेही के मुहिम के आखिरी दिन प्रोग्रामों को मुख्तसर करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पेश आए माओइस्टों के हमले के पेश नज़र दिल्ली वापस लौट गए हैं। इतवार के रोज़ मरकजी वजीर और बीजेपी के आसाम में शरीक इंचार्ज जितेंद्र सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। सिंह ने कहा कि अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में माओइस्टों के हमले के पेश नज़र आसाम में अपनी इंतखाबी मुहिम को मुख्तसर करते हुए दिल्ली वापस लौट गए हैं।